नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हमारी मेहमान है रंजनी रामचंद्रन जी। बहुत दिलचस्प पृष्ठभूमि है उनकी, लेकिन कानपुर में पली बड़ी हैं, फिर पुणे, फिर कलकत्ता, और इस पूरे सफर में जिन तमाम बड़े बड़े दिग्गज गुरुओं से उन्हें सीखने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनका स्नेह मिला, ये पूरी बातचीत हमने इस इंटरव्यू के पहले हिस्से में की थी। इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने कैसे ये तय किया कि वो प्रोफेशनली शास्त्रीय संगीत को अपने लिए चुनेंगी। देखिए इस बातचीत का दूसरा हिस्सा। अब इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आते हैं रंजनी जी, और मुझे जैसे पिछले हिस्से की शुरुआत हमने की थी कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ, वैसे ही थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइंड मोड में जाते हैं और जरा मुझे ये बताइए कि वो घटना क्या थी, वो दिन क्या था जब ये तय हुआ कि आप प्रोफेशनली सिंगिंग को अपनाएंगी, क्योंकि आसान काम नहीं है, ये आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि सिंगर, क्लासिकल सिंगर के को प्रोफेशन के तौर पर चुनना थोड़ा चुनौती भरा है, मन में डर रहता है, और फिर अगर एक अच्छा स्टूडेंट है जिसके पास तमाम अपॉर्चुनिटी है कि वो बाकी प्रोफेशनल फील्ड में भी बहुत कुछ कर सकता है, उसके लिए ये तय करना कैसे मुश्किल, कितना मुश्किल रहा होगा और आपने कैसे तय किया था? हमने अभी थोड़े देर पहले बताया था, जैसे कि हम जब पूना में थे तभी, मतलब शुरू में जब गाना सीख रहे थे बचपन में, तब ऐसा कुछ नहीं था, बहुत रुचि थी। और इसका श्रेय हम अपने माता पिता को देंगे कि उन्होंने हमेशा हमको एंकरेज किया और ओपन एंडेड रखा कि मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें साइंस ही करना है। हमारा स्कूल में काफ़ी ठीक ही था स्कोर्स, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साइंस करना। और इस तरह का एक नज़रिया कि मतलब अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं तो गाना और संगीत में जाना, ये तो हम मतलब हमने कभी सुना भी नहीं मेरे पिताजी और माताजी से। और ये बहुत कॉमन भी है, आज भी चल रहा है कि आज भी ये नोशंस बहुत कॉमन है। बल्कि हमको लगता है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, बिकॉज उसमें उसमें ना कि स्किल चाहिए आपको, इंटेलेक्चुअलिज्म चाहिए आपको, बहुत कुछ और कुछ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये मेरा BSc ख़त्म हुआ पूना में, उसके बाद हमने एक साल का गैप लिया था, एक 1 ईयर गैप। उस समय हम विनातय के पास ही थे, और तभी कुछ ऐसे कॉन्वर्जेशन में विनातय ने मेरी माँ से भी बात किया और ये भी बोला, देखो कलाकार बनना इसका कोई गारंटी नहीं होता और सक्सेस का कोई गारंटी नहीं, अच्छा लग रहा है करना है और उसको फिर कैसे आगे बढ़ाना है वो खुद का रास्ता अपना ढूंढना होगा, पर इसमें पोटेंशियल है, करना चाहिए इसे, इतना ही बोला उन्होंने। तो उसके हमारे लिए इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, हमको करने की इच्छा थी, किया। हमारे पास वो सिचुएशन थी, मतलब फाइनेंशियली साउंड था मेरा जो भी घर का बैकग्राउंड, और उसके कारण भी हम बोलेंगे कि कर पाए हम, और स्कॉलरशिप्स तो मिलती गई, फिर उसके तहत कुछ सपोर्ट मिलता रहा। और ऑफ कोर्स आज भी हम बोलेंगे कि शास्त्रीय संगीत जहाँ तक देखा जाए, इट्स अ वेरी डाइसी काइंड ऑफ अ फील, मतलब क्योंकि इसमें कुछ एक फॉर्मूला नहीं होता है, और एक जो बहुत सारे प्रोफेशंस में एक सिलसिला जो है, इसके बाद वो, उसके बाद ये, ऐसा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से वो नहीं है, आज भी नहीं। तो ये तो है, बिल्कुल यही यही मेरे प्रश्न का मूल भी यही था, चूंकि आप चाहे शास्त्रीय संगीत की जितनी भी के पाठ्यक्रम की जितनी भी डिग्रियां हैं वो डिग्रियां ले लें, लेकिन वो डिग्रियां ये बात सुनिश्चित नहीं करती कि उन डिग्रियों के मिलने के बाद आपको कार्यक्रम मिलने लगेंगे। मान लेते हैं आपको कार्यक्रम भी मिलने लगे तो भी ये बात सुनिश्चित नहीं होती कि उन कार्यक्रमों में आपको पैसा मिलने लगेगा। मान लेते हैं पैसा भी मिलने लगा तो भी ये तय नहीं होता कि वो जो रकम होगी वो क्या आपके जीवन यापन के लिए ठीक ठाक रकम इकट्ठा हो पाएगी हर महीने, या फिर आप संघर्ष करते ही दिखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये इतना आसान फील्ड ना था ना है, और जिस तरह की स्थितियां अभी अभी इसमें समय लगेगा कि कुछ ऐसा स्कॉलरशिप्स हों, कुछ इस तरह की सरकार की योजनाएं आए जिसमें कि एक तय समय तक शास्त्रीय कलाओं से जुड़े रहने के बाद भविष्य की कम से कम चिंता ना रहे। खैर हम छोड़ते हैं, वापस आते हैं आपकी गायकी पे रंजनी, और मुझे ये बताइए कि
कुछ जो शुरुआती कार्यक्रम रहे होंगे, मतलब बाद में तो मैंने देखा आपने देश के तमाम प्रतिष्ठित जो संगीत समारोह हैं उनमें आपने प्रस्तुतियां दी हैं, विदेशों में दी हैं, लेकिन शुरुआत के जो परफॉर्मेंस रहे हो, कोई ऐसा परफॉर्मेंस रहा जिसमें आप गा रही हूं और सामने वीणा जी हो या गिरिजा जी हो या उल्हास जी हो, दर्शक दीर्घा में, श्रोता दीर्घा में ये लोग भी बैठे रहे हो? जी, रहा बहुत बहुत फॉर्चुनेट हैं। तीनों ही थे, तीनों क्या, चारों ही। मतलब काशीनाथ जी, हम छोटे थे तो मेरा एक्चुअली, हम किसी को बोलते नहीं है, कभी पब्लिकली नहीं बोला है, पर मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड है, मेरे नाना जी श्री आर वेंकट रमन जी, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे, और मेरी नानी जी जानकी वेंकट रमन जी, तो राष्ट्रपति भवन में ही हम तब शायद 10-12 साल के रहे होंगे। काशीनाथ जी का गाना मेरे नाना जी बहुत पसंद करते थे, तो उनको आमंत्रित किया था गाने के लिए, और मेरी माँ भी थी, और तात्या ने बोला था मेरा कार्यक्रम तो है, तुम एक छोटा सा एक भजन गाना दो। तो ये एक बहुत यादगार, अभी तक याद है। और उसमें पंडित विनय चंद्र मौद्गल्य जी आए थे, मतलब हमको तो पता भी नहीं था उस समय कितने दिग्गज लोग हैं ये लोग। ऑफ कोर्स मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके समक्ष भी गाने का अवसर मिला। तो ये एक है, और वीणा ताई के अभी हाल में, मतलब बहुत पहले की बात नहीं है, पर जैसा हमने बताया 97 में उनके काशीनाथ जी के ही स्मृति में, जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, वो कार्यक्रम में वीणा ताई ने ऑफकोर्स हमको सुना, पर हमको उससे भी अच्छा एक अनुभव ये था। अभी 2013 में गांधर महाविद्यालय पुणे की जो शाखा है, तो तब वीणा ताई की तब तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, पर फिर भी वो आई थी, और उस कार्यक्रम, उस प्रोग्राम में एक्चुअली वो एक पुरस्कार वितरण का प्रोग्राम था, उसमें वीणा ताई को पंडित विनायक बुआ पटवर्धन जीवन गौरव पुरस्कार मिला, और उसी दिन हमको भी पंडित रामकृष्ण बुआ वाजे युवा गायक पुरस्कार मिला। तो गुरु और शिष्य को एक ही दिन में, खुद प्रमोद मराठे जी बोल रहे थे, ये मिलना, ये एक बहुत ही बड़ी, मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ी ये थी। और इट वॉज द लास्ट टाइम व्हेन शी ऑल्सो हर्ड मी, बिकॉज उसके बाद मेरा कार्यक्रम भी हुआ, मेरे बाद शुभा मुजगल जी ने गाया था, तो हमें याद है। तो वीणा ताई बैठी थी, पूरा कार्यक्रम सुनी, फिर ये भी बोला लास्ट में कि तो आखिरी का तराना छोटा करके क्यों गा लिया। तो मतलब ये एक है, गुरुजी के सामने भी गाने का मौका, उनके 50th बर्थडे में एक बार वहाँ पर बम्बई में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मिला था, और भी कई अवसर। मेरा जो पहला CD रिलीज हुआ, उसमें हमें याद है 2009 की बात है, सोनिक ऑक्टेव्स बम्बई में कंपनी है, उनके द्वारा रिलीज हुआ, और गुरुजी का कार्यक्रम था शाम को NCPA में, और ये मेरा रिलीज फंक्शन था सुबह, तो गुरुजी को बताया, उन्होंने ही बताया, तो हमने भी रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हम आ जाएंगे, तो आए, वो रिलीज किया, गाना भी सुना, बहुत कुछ, बहुत मतलब एंकरेजिंग वर्ड्स में उन्होंने वो कंपनी को भी बहुत आशीर्वाद दिया, हमको भी दिया, तो यही है। और गिरिजा देवी जी के साथ तो दूसरा एक और है कि SRA में जब स्कॉलर थे, जैसे हमने बताया कि गाना तो हम लोग सीखते ही थे, पर इसके अलावा स्कॉलर्स और गुरु का कार्यक्रम, जो SRA संगीत सम्मेलन अलग अलग जगह में हुआ करता था, तो ऐसा एक कार्यक्रम में स्कॉलर भी गाते थे, गुरु भी गाते थे। तो आइडिया ये था कि भाई स्कॉलर को, इतने बड़े दिग्गज गुरु हैं, उनके लिए तो पूरी ऑडियंस आ जाएगी, और उसी के साथ स्कॉलर्स को भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा, परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस मिलेगा, तो ये एक कॉन्सेप्ट उसका ये रहा। तो इस तरह बैंगलोर में ITC संगीत सम्मेलन, हमें याद है 2006 की बात होगी, तो मैंने गाया था और गिरिजा देवी जी हमारा सुनी थी, उसके बाद उनका गायन था, उन्होंने बोला आओ तुम बैठो, हमारा स्वर साथ करो। तो ऐसे बहुत सारे हैं और भी इंसिडेंट्स हैं, पर हाँ, अगर याद करना है तो ये कुछ। निश्चित तौर पर रंजनी, मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका, और आपके माता पिता ने जिस तरह से आपके अंदर संगीत के संस्कार रखे होंगे, सजोए होंगे, ये उसी का नतीजा है कि इतने बड़े बड़े गुरुओं ने आपको इस तरह से स्नेह किया, चाहे कार्यक्रम को बैठकर सुनना हो या कार्यक्रम के पहले
कोई खास चीज बनाकर खिलाना हो कि इसको खा लो तो और अच्छा गाओगी, ये किस्मत वालों को ही मिलता है। खैर, अब जब आप एक स्वतंत्र कलाकार के तौर पर इतने कार्यक्रम करती हैं तो फॉर्मूला वही रहता है जो इन दिग्गजों का था कि जैसा मन है, जैसा मिजाज हुआ, जैसी पब्लिक है वैसा गाएंगे, या कुछ तय करके जाती हैं कि नहीं शुरुआत में जरा आधा घंटा 40 मिनट पक्का कोई राग गाएंगे, उसके बाद फिर कोई एकाध सेमी क्लासिकल की चीजें या फिर कोई भजन या कोई फिर ठुमरी या दादरा, कैसे अपने प्रोग्राम को कैसे कंसीव करती हैं स्टेज पे जाने से पहले? डिपेंड करता है जहाँ पर कहाँ पर कितना ड्यूरेशन का, आजकल तो ड्यूरेशन का काफ़ी सवाल हो गया है। पर फॉर्चुनेटली अभी 1-2 साल पहले सनी टावर्स, एक जयंतो चैटर्जी जी, बहुत ही ही इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन कॉनोसियर कलकत्ते में, और उस स्टेज में भीमसेन जोशी जी ने, पंडित भीमसेन जोशी जी और मेरे गुरु जी पंडित उल्हास कशालकर जी और उस्ताद विलायत खान जी, इन लोगों ने परफॉर्म किया। तो वो बोले कि नहीं तुम आओ गाओ। तो ये पूरा 1-2 घंटा 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम था। तो ऐसा रहता है तो हम एक एक फ्रीडम मिलता है अपने को कुछ तय करके, बहुत सारे राग, अलग अलग राग, मतलब अलग अलग ताल में, कुछ एक पहला अगर राग ले लिया झूमरा में तो अगला जप ताल में, और कुछ और किसी और तीसरे राग में, तो बहुत सारे राग हमको याद, ऐसे जब लंबा कार्यक्रम होता है तो गाते हैं। और डेफिनेटली भजन या ठुमरी दादरा तो हम गाते ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पर भजन ज़्यादा गाते हैं, ठुमरी दादरा उसके तुलना में थोड़ा कम है। बोला जाता है हमको गाना चाहिए, और तो आशा है हम फ्यूचर में और गाएंगे यही।
अच्छा रंजनी, अब आखिरी प्रश्न जो मेरा है वो थोड़ा सा इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका जो सफर है पूरा, वो चाहे एक एक बिल्कुल ही अलहदा किस्म के बैकग्राउंड से आना, फिर कानपुर जैसी जगह में रहना, फिर वहां से पुणे जाना, फिर एसआर संगीत रिसर्च एकेडमी पहुंचना, आपने कई अलग अलग आयाम देखे हैं। इस वक्त जो शास्त्रीय संगीत के जो नए बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, जो कहिए कि इस वक्त संभवतः 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए अगर हम को अगर देखें, क्या कुछ ऐसा है जो आपने अपने निजी अनुभवों से सीखा है जो आप उनसे शेयर करना चाहेंगी कि अगर वाकई प्रोफेशनली ही इस आर्ट फॉर्म को लेना है तो कौन सी दो तीन बातें आपको लगता है कि बहुत जरूरी है कि ये तो करना ही पड़ेगा, वरना फिर आप इसको प्रोफेशन के तौर पे मत लीजिए, आप शौकिया सीखिए, अपने अंदर इस कला को रखिए, प्रोफेशनली करना है तो ये दो तीन बातें हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। जी, एक बात रह गई है। मतलब हम अभी शांति निकेतन में हैं, मतलब हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर हियर। तो हम क्योंकि थोड़े से टीनेजर्स के लेवल में, मतलब 17-18 ईयर ओल्ड्स जो आते हैं यहाँ पर, तो वही स्टूडेंट्स हैं जो हम देखते हैं। हमको एक चीज़ बहुत लगता है, और ये हमको लगता है बहुत ज़रूरी है बोलना, कि स्कूल लेवल में शास्त्रीय संगीत का एक बस नाम के लिए जो गाना सिखाया जाता है, वो ना होते हुए स्कूल लेवल में किस तरह एक एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट जगाने के लिए बच्चों में ऐसा कुछ एक करिकुलम बनाया जाए, तो उससे क्या है, एक रुचि भी पैदा होती। नहीं तो एकदम से जो लोग कॉलेज में आते हैं, जिनका ज़्यादा कुछ पहले तालीम भी नहीं होता है, तो वो एकदम से आते हैं और उनको एकदम बड़ा ख्याल सिखाना तो मतलब बहुत दूर की बात है। और इट्स ऑल्सो वेरी थोड़ा सा लेट ही हो गया, मतलब 17-18 साल के बाद अब आप अगर सीखना शुरू करें, तो हमें लगता है कि ये एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, कि किसी ना किसी तरह एक बहुत सक्षम करिकुलम डेवलप करना, ताकि स्कूल लेवल में ही एक क्लासिकल म्यूजिक के प्रति एक सीरियस इंटरेस्ट पैदा हो। और जहाँ तक बात प्रैक्टिशनर्स की है, मतलब यंग प्रैक्टिशनर जो सीख रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा आजकल माध्यम है, मतलब मीडिया बहुत है, आपको कहीं से भी किसी का भी गाना YouTube में मिल जाता है, और पर उससे आप कॉपी करके गाना सीखना नहीं चाहिए। आपको किसी ना किसी एक अच्छे गुरु, मतलब वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नाम होना चाहिए, अच्छी तालीम वाले गुरु, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छी तालीम है, उनके पास कुछ साल सीखना चाहिए। और ये ऐसी एक विद्या है कि आपको इंस्टेंट एक रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम हमारे स्टूडेंट्स को भी बोलते रहते हैं कि आपको एकदम से नहीं मिलेगा, 5 साल में भी नहीं होगा, आपका BA हो जाएगा, MA हो जाएगा, पर गाना नहीं खत्म होगा। तो इसको एक सस्टेन इंटरेस्ट तो रखना ही है, पर खुद का एक सेल्फ मोटिवेशन है। कोई आपको बाहर से आके ये नहीं बताएगा कि आपको इतना मेहनत करना है, वो खुद का जजमेंट लेकर मेहनत करना चाहिए। जितना आप सुने, आजकल आर्काइव इतने अच्छे हो गए, मतलब यूट्यूब का सही इस्तेमाल किया जाए तो आप जो भी राग सीख रहे हैं अपने गुरु से, अपने टीचर से, तो उसी राग का रेफरेंसेस आपको बहुत सारे पहले के गायकों का मिल जाएगा, वो सुनिए, लाइव कॉन्सर्ट अगर हो सके वो भी सुनिए। तो ये वो कुछ बुनियादी बातें हैं जो अभी रंजनी जी ने बताई और जो भी संगीत सीख रहे हैं उनको उनके लिए बहुत उपयोगी इस लिहाज से हैं, क्योंकि ये एक तरीके की डूज और डोंट्स की लिस्ट है जिसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। और रंजनी जी, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारी संस्था है रागगिरी, हम भी यही कहते हैं कि सुनेंगे तभी तो सीखेंगे। बच्चों को आप ये कहकर कि शास्त्रीय संगीत एक बहुत बड़ा समंदर है, बिल्कुल सच है, लेकिन ये कहकर डराएं नहीं, बल्कि उनको सहज करें, उनको जोड़ें। और अभी बिल्कुल तो नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ, जो कि आप जानती ही होंगी, नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ हमने व्यक्तिगत तौर पर, मैंने 4 जो भारत रत्न हैं भारत के शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से विशुद्ध रूप से, MS सुब्बलक्ष्मी जी, भीमसेन जी, रविशंकर जी और बिस्मिल्ला खां साहब, इन चारों पर 9 से 14 साल के बच्चों के लिए कॉमिक्स लिखी मैंने। और वो बिल्कुल अरे जिस तरह से हम अमर चित्रकथा पढ़ते थे उस तरह की कॉमिक्स है।
और उसका अन्य भारतीय भाषाओं में, तमाम भाषाओं में, बंगाली में, उड़िया में, तमाम भाषाओं में अनुवाद भी हो रहा है, चूंकि नेशनल बुक ट्रस्ट से वो प्रकाशित हुई है। तो मेरा भी यही मानना है, हमारी संस्था का भी यही मानना है कि शास्त्रीय संगीत 17-18 साल की उम्र में सिखाने वाली चीज है नहीं। तब तक इतना एक्सपोजर हो चुका होता है बच्चे का। अगर आप सिखाना ही चाहते हैं तो आपको बचपन से उनको इंटरेस्टिंग तरीके से बगैर डराए उस कला से जोड़ना होगा। खैर, आपने रंजनी जी समय निकाला, बड़ी खूबसूरत बातचीत हुई, तमाम बड़े गुरुओं को हम लोगों ने याद किया। और वैसे कानपुर में आप रही हैं तो ये कहना मतलब इसको आप कॉम्प्लीमेंट लें या कैसे लें, लेकिन हिंदी आपकी बड़ी अच्छी है, जबकि आपका बैकग्राउंड हिंदी का नहीं है। तो लेकिन बिल्कुल क्योंकि शुरू से आप रही होंगी इसलिए हिंदी आपकी अच्छी रही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार।